हेलो दोस्तों, आप सबों को इन्फोटेक की ओर से स्वागत है। आज आप में से कोई एक व्यूअर ने सवाल पूछे हैं कि एक मेरी जमीन है जिसके आमने सामने की जो भुजा है एक 225 कड़ी की है और एक दूसरे साइड 250 कड़ी की और एक चौड़ाई के साइड में 130 कड़ी और दूसरा 190 कड़ी। इस जमीन को या इस खेत से 225 कड़ी की ओर से उन्हें 7 डिसमिल जमीन किन्हीं को बेचना है, अलग करना है, तो उसकी चारों भुजाओं का लंबाई कितनी होगी? चलिए हम लोग उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चारों भुजाओं का लंबाई निकालते हैं जो कड़ी में दिया गया है, तो कड़ी में ही निकालेंगे। हो सकता है 225 कड़ी वाली भुजा के और रोड वगैरह हो, रोड साइड में ही उनको देना है। चलिए, इसके पहले हम टोटल जो है जमीन उसकी क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकलेगी? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आमने सामने, क्या आमने सामने की भुजा का योग है। योग मतलब जोड़, डिवाइड बाय टू। और सेम मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई के साइड में से भी भुजाओं का योग करके टू करेंगे, यानी कि इसे छोड़ें और इधर देखें, जो भी है आमने सामने की भुजाएं क्या है, 225 और प्लस 250, 225 प्लस 250 कड़ी का औसत कितना हो जाएगा? जोड़कर उसे 2 से भाग दे दें और उसको गुना कर दें चौड़ाई के तरफ भी आमने सामने का दोनों भुजाओं को योग करके 2 से भाग दे दें। 130 प्लस 190 कड़ी को 2 से भाग दे दें। ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 225 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, 237, 237.5 गुना 190 प्लस 130 को एवरेज निकाल लेंगे, 160, यानी कि 230.5 मल्टीप्लाई बाई 160 कड़ी, तो बराबर कितना हो जाएगा? वीडियो बीच में नहीं छोड़ें, लास्ट तक देखें। नए यदि व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें। ये हम लोग दोनों को आपस में गुणा करने पे हम लोग को क्या आ गया? 38,000, 38,000 वर्ग कड़ी। बराबर इसको हम 38,000 डिवाइड कर देंगे कितना? 1,000 वर्ग कड़ी से, क्योंकि एक डिसमिल बराबर 1,000 वर्ग कड़ी। तो डिवाइड कर दिए तो क्या पता चला? 38,000
डिसमिल जमीन है। इसमें से 7 डिसमिल अलग करना है, ठीक है? सेवन डिसमिल में कितना हो जाएंगे? इसी प्रकार 7,000, सेवन को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,000 वर्ग कड़ी हमको 38,000 में से, यानी 38 डिसमिल में से अलग करना है। अब इसके बाद जो है ध्यान से देखें, इसमें हमको एक ही साइड 225 कड़ी दिया हुआ है, ठीक है? और इधर नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए एक लमसम एवरेज पहले लंबाई की तरफ कर लेते हैं। 225 है तो इसे हम, क्योंकि ये तो इससे ज्यादा ही बड़ा होगा क्योंकि लंबा लाइन है, एक हम लोग सपोज करेंगे, तो इसको एक लमसम बीच का एवरेज का 226 कड़ी पहले मानकर देखते हैं, ठीक है? तो ये 7,000 जो वर्ग कड़ी है बराबर, ये कैसे मिलता है हमें? लंबाई गुना चौड़ाई से। तो ये लंबाई का एवरेज हम 226 मान लिए हैं, 226 मान लिए हैं, और चौड़ाई को हम लोग अभी एक्स मान लेते हैं, चौड़ाई का एवरेज को एक्स, यानी कि भुजा को। तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 7,000 को भाग देंगे 226 से, हम लोग 7,000 को 226 से भाग देंगे, तो 30.973 कड़ी आ जाएगा, 30.। ये जो बीच का जो है ना, समझ लीजिए, यहां हम लिख देते हैं, इसकी एवरेज 30.973 कड़ी। अभी हम लोग को ज्ञात नहीं हुआ है तीनों साइड, ठीक है? बूम, अभी ये बड़ा हम लोग साइड का कैसे लंबाई निकालेंगे? इसको चलिए हम लोग एम मान लेते हैं, इस भुजा का एम मान लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकलता है? औसत लंबाई कैसे निकलेगा? दोनों भुजाओं का योग, 225 प्लस एम बटा 2। औसत लंबाई हम पहले 226 ले लिए हैं एक कड़ी बढ़ाकर, तो 226 औसत लंबाई को 226 लिखेंगे, और 225 प्लस एम बटा 2, इस प्रकार एम हो गया 226 को, यहाँ कुछ नहीं रहता, 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 226 गुना 2 452 हो गया, इसको माइनस कर देंगे 225 को, 225 तो ये क्या आ गया आपका? 227 कड़ी। ये कितना एम निकल गया? एम बराबर 227
कड़ी, ठीक है। इसी प्रकार अब चौड़ाई के साइड में एवरेज हमको पता है कितना है, 30.973 कड़ी। एक साइड हम इसको ले लेते हैं, इधर बड़ा साइड है, इधर छोटी साइड है। एक एवरेज हम कड़ी ले लेते हैं कितना, 32 कड़ी, एक राउंड फिगर फिक्स कर देंगे। तो अब ए साइड का कैसे निकालेंगे, इसका भी सेम औसत निकालेंगे। औसत कैसे होगा, इसको हम लोग एम माने हैं तो इसको क्या मानेंगे, एन साइड। तो इसको एन प्लस 32/2, औसत ऑलरेडी हम लोग कितना निकाल रहे हैं, 30.973। 30.973 बराबर एन प्लस 32/2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं रहता है, 1 रहेगा, इससे हमको गुणा कर लेंगे। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, गुना 2 बराबर एन प्लस 32, इसको हल कर लेंगे। इसलिए इसको गुणा कर लेंगे, 30.973 गुना 2 कितना हो गया, 61.946 एन बराबर 61.946 माइनस 32, तो फिर एन बराबर माइनस 32। -61.946 -32, ये आ गया आपका 29.646 कड़ी। ये कितना आ गया, 29.646 आ गया। तो इसमें हम लोग का चारों साइड हो गया, ए साइड हो गया 225 कड़ी, ए साइड हो गया 227 कड़ी, इधर हो गया 29.646 कड़ी, और इधर हो गई हम लोग का 32 कड़ी। अब इसमें हम आपको चेक करके बताते हैं, चेक कैसे करेंगे। ये आमने सामने कितना है, 32 + 29.646, इसका 2 से भाग दे दीजिए जोड़कर, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है अभी, यहाँ पे 29.646 नहीं आएगा, 29.946 होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, 29.946 प्लस 32 को 2 से भाग देंगे, प्लस 32, 29.946 प्लस 32 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 30.973। सेम इसी तरीका से
225 और 227 का एवरेज यानी कि बीच में कौन सा आएगा, 226। अब इस दोनों को ही गुणा कर लेंगे हम लोग, गुणा 226, ये आ गया आपका 7,000 वर्ग कड़ी यानी कि 7 डिसमिल। आशा करता हूँ समझ गया होंगे, बराबर बराबर हम लोग को मिल गया 225 से 227 कड़ी, इधर 32 कड़ी, इधर 29.946 कड़ी। ठीक है, हम लोग इसको चेक भी कर लिए, ध्यान से इसमें देखिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।